सार्वजनिक दल ने जो संविधान दिवस जो मना रहे हैं, इसका आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य देखिए यही है कि संविधान जो हमारा संविधान है सर, थोड़ा तेज, वो संविधान जो है वो किसी भी जो जितना भी धार्मिक बुक है, मैं मानता हूँ जो भी रही होंगी जो भी इस देश में है उन सबसे सर्व, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके महत्व पूरा देश, पूरा इस देश का, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस संविधान के तहत चल रहा है। संविधान हम इसलिए भी याद करते हैं कि आज के दिन जब संविधान बाबा साहब ने लिख करके इनको सौंपा इस भारत की गवर्नमेंट को, तो जो सदियों से बेड़ियां थी, जो बेड़ियां थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें इतनी यातनाएं लोगों ने सही, इतनी विषमतावादी सिस्टम को सहा, उन सब को एक कलम के सहारे से बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया। इससे बड़ा त्यौहार हमारे लिए कोई हो नहीं सकता, और यदि हम इसको याद न करें तो इसमें बहुत बड़ी बेईमानी होगी, इसलिए हम इसको याद करते हैं। रही ऑब्जेक्ट की बात कि क्या ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट ये है कि जिस चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इस पूरे भारतवर्ष में पूरी खुशहाली है, कुछ लोग केवल बाबा साहब को शोषित दलित और महिलाओं से जोड़ कर देखते हैं, ये ऐसा मानना जो यहाँ के संचालक थे पूरे भारतीय पॉलिटिक्स के, ये सब उनका एक बहुत मानसिकता सोची बुझी थी। चूँकि कुछ देखने को ऐसा मिला है कि जब भी कोई एससी एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी का कोई लीडर पैदा होता है उसको उसी जाति से जोड़ कर देखा जाता है, और ये जैसा कि बाबा साहब, जो बाबा साहब जिसमें विश्व रतन हैं, नॉट ओनली भारत, पूरा विश्व उनसे लोहा मानता है, पूरा देश उनको जानता है, लेकिन फिर भी उनको एक दलित से जोड़ करके देखा जाता है। मैं कहता हूँ कि आज अगर ये हवा में हम सांस ले रहे हैं पूरा भारतवर्ष, तो ये बाबा साहब की देन है। बराबर का देश है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो संविधान वहाँ लचीला है, संविधान एक ठोस नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पर रोज तख्ता पलट होता है, लेकिन भारत में चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की रही हो, किसी का भी रहे, सबका अलग अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधानपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म जो यहाँ अडॉप्ट की हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने इसलिए जोर दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो जो कार्यपालिका है वो विधायक पालिका के जवाबदेह होती है, उसमें चेक बैलेंस का काम होता है, इन बिट्स जो सारी चीज़ें हैं संविधान की वो उसमें सब निहित हैं, और जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसका वो उसके चलते हुए ये जो सारा सिस्टम बाबा साहब ने बनाया, तो यहाँ कोई कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सेना, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि आर्मी जिस मर्जी को चाहे तख्ता पलट कर देते, यहाँ कोई सेना, तीनों सेनाओं का अलग अलग सिस्टम है, उनके ऊपर राष्ट्रपति है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड का, इसीलिए है चूँकि यहाँ का संविधान सबसे बेहतरीन संविधान है, जो पूरे वर्ल्ड में जो अच्छाई संविधानों में रही वो सब चीज़ हम अपने संविधान में देख सकते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने कुछ यूएसए से ले, कुछ ऐसा कुछ नहीं, बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब एक विद्वान, एक महान विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने जितना भी ये स्टडी की वो सारा की सारी चीज़ें, और जो उनका पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव था वो सारा संविधान में डाल कर उन्होंने देखा, चूँकि राइट फ्रॉम वो अपने जो बचपन काल से लेकर के आखिरी तक, और इतनी पढ़ाई करने के बाद जब वो देश में आए वो सब चीज़ें जो उन्होंने खुल महसूस की वो सारी संविधान में उन्होंने निहित की, लेकिन किसी से वैमनस्य या बैर नहीं, सिर्फ उसको ये देखते हुए सब सिस्टम को उसमें बनाया। जोशी साहब, अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आज मैं ये संविधान सौंप रहा हूँ, आज से मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा वो। देखिए जैसा आपका क्वेश्चन है कि आज मैं संविधान को सौंप रहा, बाबा साहब ने कहा था कि आज 26 जनवरी 1949 को मैं संविधान सौंप रहा हूँ, और यदि चूँकि इसमें मैंने एक प्रोविज़न ये किया है कि एक वोट की कीमत एक होगी, चाहे वो राजा है या रंक है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बीच का है या कोई है, उसका एक वोट का एक ही अधिकार होगा, और आज से जो जनता जनार्दन चाहेगी, पहले क्या होता था कि राजे का बेटा राजा
अब वो सिस्टम नहीं रहा और उसका सही कहा उन्होंने कि उसका ऑपरेशन कर दिया, चूंकि ऑपरेशन कर दिया सर उस उसका व्यवस्था का ऑपरेशन, व्यवस्था का ऑपरेशन किया कि जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, जो एक राजतंत्र चला रहा था उसको लोकतंत्र में तब्दील किया, और लोकतंत्र में जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको वोट देगी वही राजा बनेगा। तो इसलिए उस रानी ये कहना कि भाई रानी का व्यवस्था का ऑपरेशन हुआ, उस व्यवस्था का ऑपरेशन बाबा साहब ने किया। और ये सारा उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि आज मैं संविधान सौंप रहा हूँ इस भारत सरकार को, जिसमें एक वोट का अधिकार एक व्यक्ति का होगा, लेकिन यदि सामाजिक राजनीतिक वश तो होगा लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि में ये फिर वैसे ही रहेगा, चूँकि यहाँ कोई सामाजिक दृष्टि से वही छुआछूत, वही असमानता, वही एट्रोसिटीज, वही सिस्टम, वही विपरीत दिशा में जाना, वही जातिवाद, ये सारा का सारा जितना भी सिस्टम रहा, और उसमें दूसरा आर्थिक दृष्टि से, चूँकि आर्थिक दृष्टि से ये समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही संसाधनों से विहीन रहा, जब तक अगर ये एट पार नहीं होगा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये जो संविधान आज हम जो राज इसमें राजनीतिक वर्ष एक वोट एक का अधिकार है, इसको भी लोग मानने से इनकार कर देंगे यदि समय रहते हुए ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समानता नहीं मिलेगी। सर, संविधान दिवस पर आज आम जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूंगा आम जनता से कि देखिए संविधान ही हमारी सबसे बड़ी महान और पवित्र पुस्तक है, और इसको सम्मान हमें करना है। संविधान ने हमें जो यहाँ सदियों से जितने भी हमारे अधिकार थे जो हमें नहीं थे, एक व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा जाता था, आज संविधान की वजह से हम सब लोग जीवित हैं। इस संविधान के तहत रह करके हमें अपने हक हकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए, कहीं अगर संविधान पर कुठाराघात होता है, हमें सबको मिल करके उसके अगेंस्ट काम लड़ाई लड़ेंगे। और सर्टेनली जो असमानता इस देश में अभी भी सबसे बड़ी असमानता इस देश में जाति की है, जाति को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, तो धर्म जाति और धर्म ये सारा सिस्टम, धर्म कोई धर्म ये नहीं कहता कि वो कोई ख़राब होता है, लेकिन ये जो जातियों में बटा हुआ देश ये सारा सिस्टम खराब करता है, इसको हमें ठीक करना है। आज का जो मेरा, मैं सब श्रद्धेय साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम संगठित हों, जितने भी संगठन कम से कम सोचती समाज में और दिल्ली समाज में बने हुए हैं वो सब अलग अलग कार्यरत हैं, और उसके चलते हुए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो एक दबाव ग्रुप है वो नहीं बन पा रहा। सभी लोग अब अपने संगठन चला रहे हैं, सभी श्रद्धेय साथी काम कर रहे हैं, सभी श्रद्धेय साथी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि हम बहुत बहुत हिस्सों भागों में बटे हुए हैं, हमें एकजुट होकर के सिस्टम को बनाना है, और कॉमन कोज के लिए जहाँ कहीं भी किसी चीज़ का हानि होती है तो हमें एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर लड़ना चाहिए।